अच्छा कट टू बाहुबली पे चलते हैं. जियो रे बाहुबली. ऐसा मतलब बहुत मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा बाहुबली से पहले कि जैसे जो डब्ड वर्जन होते हैं ना किसी फिल्म के, उसके ऊपर इतनी मेहनत हुई हो और सिंगर्स चुने गए हों, लिरिसिस्ट चुने गए हों और आप उनका हिस्सा बने. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाहुबली के मेकिंग के दौरान, पहले तो ये बताएं कि एसएस राजामौली से मुलाकात हुई थी इसको लेकर. देखिए पहली बात तो ये मैं बता दूं, अगर मैं डेटा की बात करूं, लल्लन टॉप पे बैठा हूं यहां तो हर चीज़ नंबर्स और फिगर्स में बतानी पड़ेगी वरना क्लास लग जाएगी. तो 1947-48 से दोस्तों साउथ की फिल्में डब होके हिंदी सर्किट में रिलीज होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है जी. लेकिन 47 से लेके और 2016 तक सारी फिल्मों का अगर कुल बिजनेस देखें तो 100 करोड़ क्रॉस नहीं होता है. सबको मिला के बाहुबली ने अकेले 513 करोड़ मार दिए जी. बिल्कुल. तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि राजामौली, एसएस राजामौली नाम का एक मजिशियन था, राजामौली नाम का एक दूरदृष्टि वाला इंसान था जिसको ये पता था कि अगर कंटेंट अच्छा हो और उस कंटेंट को पूरी सच्चाई के साथ प्रेजेंट किया जाए तो भाषा के बैरियर्स टूट जाते हैं. Exactly. और यही हुआ. हाँ. मेरी तो, मुलाकात बड़ी हाँ. बड़े एक इत्तेफाक था छोटा सा मेरी जहाँ मुलाकात हुई थी. और मैं ये सबसे कहता हूँ आप सबसे कि इतने मौके आपकी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक आते होंगे, खाली आप उनको टैप करना शुरू करें. हाँ. कई बार ऐसा होता है कि आप पकड़ ही नहीं पाते कि ये अभी जो आपकी सौरभ द्विवेदी जी से बातचीत हो रही थी, ये बातचीत आपको कहाँ लेके जाती. आप टैप करें, थोड़ा लालची बन जाएं, अच्छा मौका अच्छी चीज़ वहीं के वहीं पकड़ लें आप. मुझे याद है मैं एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी एक फिल्म है आपने देखी, तो उसके मैं गाने कर रहा था, उसकी एक रिकॉर्डिंग के लिए हैदराबाद गया था मैं जी. तो हैदराबाद में मैं और वो एक लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर हैं एमएम कीरवानी सर जी. तो मैं, कीरवानी सर, नीरज पांडे जी, हम लोग एक हॉल में बैठ के गाना बना रहे थे और कुछ छंद वाला गाना था वो, मतलब जिसमें वर्चस्व है टाइप का एक उसकी जय घोष था. कुछ याद है? धमनियों में दौड़ता है रक्त का प्रवाह आज, और छोर शौर्य का न शक्ति की है था आज, कुछ ऐसा था मुझे पूरा नहीं याद. ये मैं पढ़ के सुना रहा था, अचानक दरवाजा खुलता है स्टूडियो का और एक साहब स्क्रफी दाढ़ी में ऐसे बिखरे बिखरे बालों में रबर की चप्पल पहने आके एक कोने में स्टूल पे बैठ जाते हैं जी. मुझे पता नहीं कौन है और थोड़ी देर बाद चले गए. मैं वापस आ गया मुंबई. मुझे 3 दिन बाद फ़ोन आता है, एसएस राजामौली आपसे मिलना चाहते हैं. मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, मैंने कहा भाई बिल्कुल मिलना ही चाहिए. अगली फ्लाइट ली मैंने, मैं हैदराबाद पहुंच गया जी. और अब आप देखें कि एसएस राजामौली का विजन, उन्होंने कहा मनोज मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है बाहुबली एंड आई वांट यू टू राइट डायलॉग्स फॉर इट. तो मैंने कहा सर कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में डायलॉग लिखे ही नहीं है. मैं तो टीवी सीरियल के भी डायलॉग नहीं लिखे, तो कुछ गड़बड़ है, इतनी बड़ी फिल्म है, शायद आप गुलजार साहब को बुलाना चाह रहे होंगे और गलती से मुझे बुला लिया होगा, मैं वापस जा रहा हूँ. तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा गाने में लिख दूंगा. तो कह रहे गाने तो आप लिखेंगे ही लेकिन डायलॉग भी लिखेंगे, क्योंकि आज से 4 दिन पहले मैं प्रसाद स्टूडियो में दाखिल हुआ और आप कुछ पढ़ रहे थे, आप जो बोल रहे थे, मैं चाहता हूँ मेरा बाहुबली भी एग्जैक्टली वही भाषा बोले. बहुत बढ़िया. तो यूं हुआ कि हमने बाहुबली लिख ली, इत्तफाकी कहूँगा, और उसके बाद वो 513 करोड़ इनफैक्ट, और जो कुछ भी है सब इतिहास है आप सबकी बदौलत. अच्छा जैसे ऐसे हम सुनते हैं, ऐसा जानते भी हैं कि जो भट्ट बैनर्स की फिल्म्स होती हैं उसमें महेश भट्ट जो गाने मतलब बन रहे होते हैं वो स्पेशली वहाँ पर बैठते हैं लेकिन मतलब लिरिसिस्ट के साथ उनको समझाते हैं कि दिस इज़ द सोल ऑफ द फिल्म. तो आपने जितने भी आज तक फिल्म्स की हैं, कोई आपको ऐसा डायरेक्टर याद आता है जिसने इतना इंटरेस्ट लिया हो? क्या वो एस एस राजामौली हैं? एस एस राजामौली हैं, मोहित सूरी हैं, नीरज पांडे हैं, अनुराग सिंह हैं जिन्होंने केसरी बनाई. ये अफवाह फैलाई गई है कि आजकल के डायरेक्टर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. फिल्म एक ऐसा मीडियम है ना जी, कुछ फिल्मों को गानों की जरूरत नहीं होती. एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस नाउ, इसमें कोई बहुत हर्ज नहीं है कि हम जिद पे अड़े रहें कि नहीं नहीं बिना गाने के पिक्चर कैसे बनेगी. तो अगर पिक्चर में गाने की जगह ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाता, साउंड ट्रैक से काम चल जाता. लेकिन मुझे तो याद है कि मेरे डायरेक्टर्स ने बाकायदा मुझे बैठा के कहानियां सुनाई हैं. ना सुनाते अगर तो मैं तेरे संग यारा में वो लाइन कैसे लिख पाता कि तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा. वो इसलिए आती है क्योंकि कहानी में मुझे ये पता है कि जो हीरो है रुस्तम पावरी, ये सेलर है, इसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, ये अपनी बीवी के पास वापस आ रहा है, तो एक लाइन चाहिए जो उसकी बीवी को एक्नॉलेज करे. तो लोग सुनाते हैं कहानियां. बिल्कुल, बिल्कुल यार, बजाओ तालियां वालियां, मजा आएगा कुछ.